पता है बंदा नेक कौन होता है? जिसकी तन्हाई नेक होती है, जो अकेले में नेक होता है, तन्हाई जिसकी पाक साफ होती है, असल में वो बंदा नेक होता है। हमारे यहां ना, बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूंगा, तुम्हारे पास सहूलत आई है मोबाइल की, तुम्हारे पास सहूलत आई है इंटरनेट की, लेकिन देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारी तन्हाई नापाक ना हो जाए। देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारा वो अकेले में जो तुम्हारा रब रसूल से रिश्ता जुड़ना चाहिए था, सजदे का नूर होना चाहिए था, अच्छी मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, वो मैला कुचैला ना हो जाए। तन्हाई जिस बंदे की पाक होती है वो नेक होता है। महफिल में तो सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, महफिल में तो सारे लोग ही नेक होते हैं। ये सही बुखारी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। तहामा पहाड़ था एक बड़ा सफेद रंग का, इस पहाड़ के बराबर वो नेकियां लेके आएंगे, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें ये मामला खोल कर बयान कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो रातों को इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होते हैं, लेकिन फरमाया उन लोगों का मसला ये है, उनका नुकसान ये है, घाटा और खसारा ये है कि जब वो अकेले होते हैं तो रब की हुरमतों को पामाल करते हैं, दीन की हदों को तोड़ते हैं, तन्हाइयों में रब की नाफरमानी करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो लोगों के बीच नेकियां की होती हैं, नमाजें पढ़ी होती हैं, इबादतें की होती हैं, सदकात की होते हैं, वो भी जाया हो जाते हैं। अगर ये लोग अपनी तन्हाई पाक कर लें तो इनकी बाकी सारी इबादतें भी महफूज हो जाएंगी। अपनी तन्हाई पर तवज्जो दें, अपनी बिलखुसूस नौजवानों, मेरी आपसे बड़ी दर्दमंदाना अपील है, अपनी तन्हाई में ना रब की बारगाह में हाजिर हो, अच्छे इरादे करो, अच्छी मनसूबाबंदी करो, लंबी दुआएं मांगो। अकेले जब हो तो फिर ना वुजू करके रसूल पाक की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ो, दिलों को कुव्वत मिलेगी, हाफजे मजबूत होंगे, तुम्हारे चेहरों पर रोशनी आएगी।